डॉक्टर विक्रम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज आपके पास ये शरद जी आए हैं, इनके दादाजी का ट्रीटमेंट ये बता रहे थे चल रहा है किडनी फेलियर का। हाँ जी। तो हम जानना चाहते हैं कि किस तरह का ये केस है और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट हुई है, आप इस बारे में थोड़ा सा बताएं। ये बेसिकली इनके दादाजी जो है 75 ईयर्स उनकी एज है और शिवराज उनका नाम है जी। और वो पानीपत से आए थे मेरे पास करीब आज से 15 दिन पहले। और उनके फादर जो थे वो जो ग्रैंडफादर है किडनी फेलियर था। ओके। तो किडनी फेलियर में उनका साइज भी किडनी का छोटा था। तो शरद जी, ट्रीटमेंट जैसे ये डॉक्टर साहब ने शुरू किया, अभी डॉक्टर साहब बता रहे हैं 15 दिन पहले, तो उससे पहले आपके दादाजी की क्या कंडीशन थी, आप ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे? कंडीशन बहुत ख़राब थी जी। तो उनका जो है डॉक्टर्स जो वहाँ पे थे पानीपत में, तो उन्होंने तो उनको डायलिसिस के लिए बोल दिया था कि भाई डायलिसिस के बिना आप नहीं रह सकते, तो उनका डायलिसिस बोल दिया था क्योंकि एक किडनी तो वो कह रहे थे कि भाई ये ख़त्म ही हो गई है, जिसका साइज यहाँ पे 6.2। अच्छा, आपके पास रिपोर्ट्स हैं? ओके जी। और एक बात है ना, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें बेसिकली, आप देखिए कि बड़ी मिरेकल वाली बात है ये। देखिए कि इनका जो इनके ग्रैंडफादर हैं उनका नाम शिवराज है, 75 इयर्स एज है, 2 जून 2016। तब ये इनका क्रिएटिन लेवल था 9.61 जी, फॉस्फोरस था 6.48 जी, और यूरिक एसिड 7.5 के आसपास। और ये पुरानी इन्होंने अभी बताई है मुझे कि रिपोर्ट 8 जून को 11.56 था। अच्छा, इसके बाद इन्होंने दोबारा से टेस्ट करवाया इस समय, इसके बाद ये करवाया, हाँ इसके बाद बढ़ गया ट्रीटमेंट, नहीं कोई भी कराया इन्होंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट तो मेरे साथ ली, मेरे साथ 24th जून को लिया ना। तो पहले इनका सबसे पहले आया 9.6 जी, 2 जून को, उसके बाद 8 जून को 11.56 आ गया। तो 11.56 में तो आई यूजली रिकमेंड डायलिसिस जी 10 के ऊपर, जैसे शरद जी बता रहे हैं कि वो फिर 9 के ऊपर मैं भी डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि मैं भी 9 के ऊपर डायलिसिस कर सकते कि भाई डायलिसिस हो गया करवा, बट ये इंसिस्ट कर रहे थे कि हमने डायलिसिस नहीं करवाना। तो मैंने इनको बोला कि मेडिसिन मैं दे देता हूँ बट विद इन 1 वीक यू शुड चेक जी एंड ऑल द टेस्ट वी शुड डू। तो इन्होंने क्या किया है, 10 दिन बाद ये देखिए, 10 दिन बाद ये 4 जुलाई लेटेस्ट रिपोर्ट भी है, 4 जुलाई को इन्होंने दोबारा टेस्ट कराया जी, एंड इट इज सरप्राइजिंग क्रिएटिनिन लेवल इज 1.26, ये विद इन नॉर्मल रेंज। ओके, इट इज विद इन नॉर्मल रेंज। एंड इनका फॉस्फोरस देखिए, फॉस्फोरस 6.4 था जी 2 जून को, और फास्फोरस इज आल्सो विद इन नॉर्मल रेंज 4.0, यूरिक एसिड भी 5.4 हो गया जी, इट वाज 7.4। सो ये तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। शरद जी, ये बताएंगे कि इनको ये प्रॉब्लम डिटेक्ट कब हुई थी किडनी फेलियर की? इनको 1 महीना पहले जैसे मई के एंड में जी इनको थोड़ा किडनी पेन होने लगा था और खाना वगैरह इनका छूट गया था जी, फिर प्लान आयुर्वेदा के बारे में इंटरनेट पे पढ़ा। ओके। तो फिर मैं डॉक्टर विक्रम चौहान के पास आया जी, और फिर इनसे दवाई लेके गया, और फिर 10 दिन की दवाई खाते ही इनका जो क्रिएटिन लेवल है वो नॉर्मल आ गया। तो ये रिपोर्ट जैसे 10 दिन में इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है इसमें, तो आपको कुछ सरप्राइजिंग लगा हो या आपके लैब असिस्टेंट को सरप्राइजिंग लगा? सरप्राइज जैसे लैब में था, ब्लड टेस्ट करवाया था जी, तो लैब के जो ओनर थे जी, तो उन्होंने खुद की किट्स जो थी उनकी टेस्ट करने की, उस पर शक हुआ उन्हें। अच्छा, फिर उन्होंने दोबारा
टेस्ट किया। ओके दो तीन बार उन्होंने दोबारा टेस्ट किया, फिर सैंपल बाहर भी भेजा उन्होंने। अच्छा, तो ये आपने दो तीन बार इसको वेरीफाई किया? हाँ, उन्होंने वेरीफाई किया और फिर बाहर भी भेजा उन्होंने जी। उन्होंने फिर ब्लड का जो टेस्ट है वो करने के लिए वो बाहर भी भेजा, बाहर भी नॉर्मल आया, नॉर्मल सेम रिपोर्ट है। तो ये चौंक गए। तो अच्छा, डॉक्टर साहब आपने ऐसा इनको क्या दिया वो भी आप बताइए। मैंने इनको वही दिया जो हमारे आयुर्वेद में आमतौर पे रिकमेंडेड है जी, जो किडनी के जो मूत्र विकार बोलते हैं उसको, मूत्र विकारों में आमतौर पे जो भी जड़ी बूटियां रिकमेंडेड है जी, कुछ कॉम्बिनेशन मेरे पास है जो मैं रेगुलरली पेशेंट्स को कंबाइन करके देता रहता हूँ। जैसे इसमें एक कॉम्बिनेशन है उसका नाम हमने मूत्र कृच्छांतक चूर्ण है जी, क्लासिकल योग है जी, हाँ डिफरेंट जड़ी बूटियों का है। फिर पुनर्मा मंडूर है, पुनर्मा के अलग से एक्सट्रैक्ट के कैप्सूल्स है। आमतौर पर पुनर्मा जो लोग यूज करते हैं आयुर्वेद में बहुत कम मात्रा में, 250 mg सुबह, 250 mg शाम को, इस तरह से पुनर्मा यूज करते हैं, या पुनर्मा का अर्क यूज करते हैं, कासनी का अर्क यूज करते हैं और गोक्षुर का काढ़ा यूज करते हैं, वो बहुत ही माइल्ड है, डोसेज उसकी जो है वो बहुत कम है, कम है। तो रिकमेंडेड डोजेज जो है पुनर्मा के, जैसे मैंने देखा ना इसमें पुनर्मा के 500 mg का, ये मैंने पुनर्मा का है 500 मिलीग्राम का जो कैप्सूल है, दो सुबह और दो शाम। कई बार ये मैं दो सुबह दोपहर शाम भी देता हूँ जी जी हाँ। तो ये एक्सट्रैक्ट है, ये चूर्ण नहीं है जी। और चूर्ण की डोजेज तो 3-6 ग्राम देनी चाहिए जी, और वो भी 2-3 बार। तो इसके अलावा ये रेनक्योर फार्मूला, पुनर्मा मंडूर, पुनर्मा कैप्सूल, मूत्र शांति चूर्ण और ये कुछ और कॉम्बिनेशन मैंने इनको इनके दादाजी को दिया। तो आयुर्वेद में बहुत बहुत सारी हर्ब्स हैं जिनका किडनी प्रॉब्लम जी हाँ, ये तो हमने सुना ही है। मूत्र की क्षांतक बहुत पेशेंट्स को आप देते हैं, मूत्र की क्षांतक काफ़ी अच्छा रिजल्ट जी। तो शरद जी, इसके दवाइयों के सेवन के साथ साथ कुछ उनकी डाइट लाइफस्टाइल के बारे में डॉक्टर साहब ने आपको बताया हो जी, वो आपने तो किया जो है खाने में जैसे क्रेटिन बढ़ा हुआ है तो फिर दालें और प्रोटीन के जो कम जी कम मात्रा थोड़ी थी, 2 ग्राम से ज़्यादा नहीं बोला जी देना, तो उसमें भी था हमने प्रोटीन और कैल्शियम की थोड़ी चीज़ें, क्योंकि स्टोन भी थे किडनी में, तो फिर उसके थोड़ा हमने तो इस तरह से जो आयुर्वेद में आपको हेल्प मिली है उससे आपका आयुर्वेद के बारे में क्या ओपिनियन है, क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? और बोल सकती है एलोपैथिक डॉक्टर यहाँ तक जा नहीं सकते, सोच नहीं सकते, वहाँ तक आयुर्वेद स्टार्ट होती है, वहाँ से आयुर्वेद स्टार्ट होती है। ये बता रहे थे अभी मुझे कि मैं PMT कर रहा हूँ और मैं खुद PMT करके आयुर्वेदिक का डॉक्टर बना। चलिए हम आपको विश करते हैं कि आप एक अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर बने, और सेवा करें लोगों की, एलोपैथी में जाऊंगा, मैं भी आयुर्वेद में जाऊंगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, हम आपका ये पर्सनल ओपिनियन, ये एक मेरा भी मैसेज मैं दे रहा हूं प्लीज सभी एलोपैथिक डॉक्टर्स को भी, सभी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को भी जी सर। एलोपैथिक डॉक्टर्स को तो ये है कि आयुर्वेदिक को आप भी स्टडी करें जी, अगर आपको लगता है कि आयुर्वेदिक में कुछ नहीं हो सकता, आयुर्वेदिक में हर्ब्स काम नहीं करती हैं, तो एक बार उसको ट्राई करें जी थोड़ा, बिकॉज एलोपैथिक डॉक्टर्स दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल जी, बिल्कुल इंटेलिजेंट लोग जो है वो ऐसी साइंस को पढ़ रहे हैं जो बिल्कुल ही लॉजिकल और साइंटिफिक पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली ही काम करती है जी, परंतु इसको इलॉजिकल मत समझे आयुर्वेद को, ये भी बहुत लॉजिकल है, इसके लॉजिक समझने की कोशिश करें जी, इसको थोड़ा सा स्टडी करें एंड फिर आपको लगेगा कि इसमें भी इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे लॉजिक्स हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं जी, बिल्कुल। तो अगर वो भी इसको स्टडी करेंगे तो कितने लोगों का भला होगा। हाँ ये तो है ही, वो एक बहुत ही समझदार कम्युनिटी है और उनकी सोच समझ भी इसमें बहुत काम आ सकती है। आयुर्वेदिक के डॉक्टर से भी मेरा ये मेरा रिक्वेस्ट है जी, कि आयुर्वेद को और अच्छे से स्टडी करें। वैसे तो आयुर्वेद के आजकल बहुत प्रचार प्रसार है जी, तो आयुर्वेद में बहुत सारी शक्तियाँ हैं, परंतु कई बार उनको लगता है कि शायद ऐसा नहीं हो सकता जी। आयुर्वेद के ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, अगर हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, इतने पुराने पुराने ग्रंथ है, अगर मैं आपको दिखाऊं आपको हैरानी होगी बाय चांस जी, प्लीज सर। हाँ इसमें ये देखिए, अब ये रावण संहिता है, रावण एक बहुत बड़ा वैद्य था जी जी, अब ये बहुत मुश्किल से मिलती है रावण संहिता, इस तरह की संहिताएं तो है आयुर्वेद में है। इसके अलावा जैसे आमतौर पर चरक, जैसे ये चरक संहिता है, अब ये चरक संहिता ये मेरे कॉलेज टाइम की है, इसको देखो मैंने
अंडरलाइन किया उस समय का जी जी। तो ये 2500 साल पुराना ग्रंथ है जी। ये देखो उस समय भी मैं ये कई तरह की एक्सप्लेनेशन आयुर्वेद में उस समय पढ़ते होते से अंडरलाइन कर लेता था मैं। देखो इंग्लिश में भी ये देखो इसमें इंग्लिश में हमें उस समय संस्कृत नहीं समझ में आती थी। प्लस टू हमने मेडिकल से किया तो इंग्लिश में रिवर्स गियर लिखा हुआ इंग्लिश में मैंने जी, मतलब जी, कि ये भाई चार्ज ये लिखा है कि ये देखो कितना अच्छा श्लोक भाई चार्ज निकला है कि इससे क्या होता है कि रिवर्स गियर पड़ जाता है बीमारी का। देखो भाई चार्ज मैंने ऐसे ऐसे खोला बुक को तो ये श्लोक निकला है कि जब संशोधन करते हैं ना जी, संशोधन मीन्स डिटॉक्सिफिकेशन। तो जब हम किसी चीज का संशोधन करते हैं बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफाई करते हैं तो जितनी भी डिजीजेस होती हैं तो वो सारा सभी का रिवर्स गियर पड़ जाता है। तो मैंने इंग्लिश में हल्का सा हिंट दिया कि जब हम वमन और विरेचन करते हैं, वमन विरेचन का सिद्धि स्थान में जो चैप्टर है जी जी, उसमें पंचकर्मा का व्याख्यान करते हुए बताया हुआ है। चलो ये हमारा सौभाग्य है आज आपने हमें अपने कॉलेज टाइम की बुक्स भी दिखाई है। थैंक यू शरद जी, आपने शेयर किया इस मैसेज को हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर विक्रम। थैंक यू।